जी फाइनली मैंने जो है ना कोई भी चीज सीख के नहीं आता इस दुनिया में, आने के बाद ही सीखता है। तो मेरा लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तंदूर में रोटी लगाना। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, सलामती के साथ रखे, आमीन। इसी नेक दुआ के साथ जी कर रहे हैं आज की ब्लॉग की आगाज। और आज हमने पहली बार जो है तंदूर को जलाने पर लगे हैं और कोशिश हो रही है, अगर हमारा आज ये तंदूर जलने में कामयाब हो जाए ना तो फिर हमने रोटी लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तंदूर जलता है या नहीं, तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं सामने से कि तंदूर जल रहा है या नहीं। तो ये देखिए हमने तंदूर को जलने पे लगे हैं और हमारा पहली बार लाइफ का जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हमारी कोशिश है कि ये जल जाए। वो साइड यहाँ भी आ जाना दिखाने। बिस्मिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली मैंने जो है ना कोशिश कर लिया और आज छोटे छोटे रोटी बन रही है। काफ़ी डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रही हूँ, कैसे लगाना है पता नहीं लग रहा है। तो आप लोगों के साथ लाइफ की फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं तंदूर में रोटी लगा रही हूँ। तो जैसे तैसे हो ना आज के एक्सपीरियंस के बाद ना फिर डेली करते करते आदत पड़ जाएंगे। तो अभी रोटी लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पास आ जा सारे बर्तन दिखाते वो सारा ऊपर की पंड तो अभी हो गई शाम 5:55 और देखिए
खूबसूरत ग्रुप होने वाला है, कितना खूबसूरत मंजर है। और यहाँ पर हमारा रोटी का जो तंदूर का जो हाल है वो दिखा देते हैं। हमारा रोटी इस तरह से सारे लग चुके हैं, अब ये पकेंगे कब और इसको कैसे निकालेंगे ये अब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी हो ही जाएगा। इंसान कोई भी चीज़ सीख के नहीं आता इस दुनिया में, आने के बाद ही सीखता है। तो मेरा लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तंदूर में रोटी लगाना, तो मैं पहली बार रोटी लगाई हूँ और मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन कि मैं लाइफ में कभी तंदूर पे रोटी लगाऊंगी, जिसको आटा गूंदना भी कभी नहीं आता था। तो अभी शायद अच्छा ना बने, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये भी सीख जाऊंगी। जब यहाँ तक पहुँची हूँ तो अल्लाह आगे भी लेके जाएगा। तो शायद आज का तंदूर का जो रोटी है वो सही ना बने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो डेली रूटीन में रहेगा करते करते सीख जाऊंगी। जैसे मुझे चूल्हा भी आग उबालना नहीं आता था फर्स्ट टाइम, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता चल गया कि कैसे जलाना होता है। हाँ, अभी भी मुश्किल आता है, टाइम लगता है, लेकिन मैं जला लेती हूँ। शाम को हमारे घर की जहाँ रोशनी भी आ गई, मतलब हमने सारा लाइट ऑन कर दिया है। और यहाँ पर हमारा घर का काम काज चल रहा है, सारा बर्तन मैंने धोया था और उसको भी पेंट कर दिया था, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों ने भी लगे हैं साथ साथ मेरे काम करने में, ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। और ये मैंने पेंट किया था, तो आप लोग बताइएगा कि मेरा पेंट कैसा बना हुआ है। ये ग्लास भी हमने पेंट करा है, और इस तरह से ना हमने सारे डेकोरेट करेंगे। और इसको भी किया है माशाल्लाह, जो बच्चे लोग दिखा रहे हैं ना, तो इस तरह से ना हमने सारे पेंट, इधर भी सारा पेंट जो है ना, इस पर पानी लगे हैं छीटे, तो ये सारे जो है ना अब बारिश की वजह से ख़राब हुआ है। दोबारा करेंगे, चूल्हा भी करेंगे और इस तंदूर को भी पेंट करेंगे, इधर का अलमारी भी करेंगे। इधर का लिपाई इनकम्प्लीट है, इसलिए बारिश की वजह से नहीं किया। ये ईटा हमारा कुछ बच गया था जो अभी रख दिया, इसका भी डिज़ाइन बनाएंगे और हम अपने दीवार को भी आगे जो है ना ऊंचा करेंगे जब हम वॉशरूम को बनाएंगे। तो वह भी बहुत सारा काम बाकी पड़ी है, तो जब हम करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जो है इन लकड़ियों को उठा लेते हैं और आटे गूंदने का प्रात को धो लेते हैं। तो अभी जो ये मगरिब का अजान होने वाला है और हम कर रहे हैं वीडियो ब्लॉग को यहीं पर। तो जो शाम हो गया है और अभी तकरीबन 7 बजने वाला है, तो हमने यहाँ पर वीडियो ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि अभी जो है ना बहुत रात हो रहा है और अभी हम ब्लॉग को यहीं पर करेंगे एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बहुत धुआं धुआं हो रहा है घर पर ना।